भाई देखिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वही हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इसके नाम से इतना डर लगता है कि रातों की नींद उड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका 10th और 12th का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वो ना बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से जो आपका फ्यूचर है वो डिसाइड होता है, यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप एक महीने में पूरे सिलेबस को कैसे कम्प्लीट करते हैं, यानी कि कैसे आप कम्प्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप कम्प्लीट जरूर देखिएगा, और आप लोगों को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर वन, हम आपको टिप्स बता दे, क्रिएट ए टाइम टेबल। भाई देखिए, एग्जामिनेशन आपका जैसे ही नजदीक आ जाता है, यानी कि एक महीना या फिर 1.5 महीना रहता है, तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पर परफेक्ट तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को कब पढ़ना है, क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि सबसे पहले क्या होता है कि हार्ड सब्जेक्ट उठा लेते हैं और पढ़ते जाते हैं, और जो इजी सब्जेक्ट रहता है या फिर पहले इजी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और हार्ड सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक टाइम निर्धारित करना हो कि हाँ, हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद से इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक टाइम टेबल निर्धारित कर लेना होगा। टिप्स नंबर टू, भाई देखिए, आप लोग करना क्या है, कोई एक टॉपिक ले लेना है जो कि कंप्लीट होने में 2 घंटे या फिर 3 घंटे उससे ज्यादा टाइम आपका लगता हो उसमें, तो आप लोग को उसके बाद से अपने वॉच में, यानी कि जो आप लोग का स्मार्ट वॉच होता है फिर मोबाइल में जो भी वॉच हो, उसमें आप 25 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए, और आप 25 मिनट में ना पूरा कंसंट्रेट होकर अपने सब्जेक्ट ध्यान दीजिए, यानी कि जो आप टॉपिक चुने हैं उस पे आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद से भाई देखिए, आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आपका 25 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो आपको बीच में 5 मिनट का गैप ले लेना है। और हम आपको ये बता दें, जैसे ही आपका 5 मिनट का गैप कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप टाइमर सेट कीजिए अपने वॉच में, और 25 मिनट आप अपने पूरे कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई उसी पे दीजिए, और आप लोगों को कहीं इधर उधर भी अपना है, यानी कि माइंड आप लोगों को इधर उधर नहीं करना है। तो इससे भाई देखिए, आप लोग क्या होगा कि आप एकदम कंसंट्रेट होकर अपने जो भी टॉपिक चुने रहेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो इससे आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। टिप्स नंबर 3, भाई देखिए, आप लोग जैसे मान लीजिए कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद से जो आप लोग का फॉर्मूला और डेरिवेशन है ना, आप सोच रहे हैं कि कोई भी जो टॉपिक इसका हो वो हमसे भूले ना और कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले करना क्या होगा, आप जैसे मान लीजिए आप एक टीचर बन जाइए, ठीक, उसके बाद से एक समझिए कि आप स्टूडेंट को किसी तरीके से समझा रहे हैं, और आप लोगों को एक कॉपी पेन लेना है, और कॉपी पेन में जो भी आप टॉपिक याद किए हैं, यानी कि जो भी आप लेसन याद किए हैं, तैयार किए हैं अच्छे से एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो उसको आप लिखते जाइए और बोल बोल कर लिखिए, ठीक है। डेरिवेशन हो तो डेरिवेशन कीजिए और बोल बोल कर डेरिवेशन कीजिए, फार्मूला हो तो फार्मूला लिखिए और बोल बोल कर लिखिए, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हैबिट है वो भी बढ़ेगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, भाई देखिए, आप लोग को स्पेसिफिक टाइम एक सेट कर लेना होगा, क्योंकि देखिए इससे क्या फायदा ही होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप काम उसी टाइम पे कर रहे हैं और रोजाना करते जा रहे हैं, तो आपको एक तरीके से आदत उसकी बन जाती है कि हाँ, हमको काम ये करना है। तो इसी तरीके से आप सेम माइंड स्टडी में भी लगा सकते हैं, आपको करना क्या होगा, डेली के डेली वही एक टाइम आप सेट कर लीजिए और उसी टाइम पे रोज अपना वर्क कीजिए, यानी कि आप रोज पढ़ाई कीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी और आप उसको कम समय में अपने अंदर फिट भी कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5, भाई देखिए, आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, इससे फायदा बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि आप कितने मिनट में, यानी कि कितने आवर में आप अपने जो क्वेश्चन पेपर को है वो आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, और कितने बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करके जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में अपने फिट कर लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना है। उसके बाद से आप लोगों को एक क्विक नोट्स तैयार करना है। भाई देखिए, हम आपको ये बता दें, बहुत से स्टूडेंट तो नोट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के एक या फिर 1.5 महीने पहले आप लोगों को एक क्विक नोट्स तैयार करना रहता है। इसमें आप लोगों को वही पॉइंट ऐड करने हैं ना जो कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि ये आप लोगों को इसमें पॉइंट वो नोट कीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरीके से 100% आप एक महीने में जो आप अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।